बहुत सारी जब यंग लड़कियां बोलती हैं कि बाप को बचपन से जानती हूँ तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन आपको पूरा हक है कि आप बोल सकती हैं मैं आपको बचपन से जानती क्यों आपको अच्छा क्यों नहीं लगता है मुझे लगता है कि मुझे मेरी उम्र का एहसास करा रही है मुझे नहीं अच्छा लगता इसलिए मगर आप तो मुझे बचपन से जानती है जब आपसे आप पैदा हुई है फिर आप बड़ी हुई है आपको याद है जब आप छे साल की थी मैंने आपसे कहा था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं हाँ मुझे एक्चुअली बहुत सारे कॉन्वर्जेशन याद है क्योंकि मुझे याद है कि आप हर रोज घर घर आते थे हाँ। और हर टाइम पैसा लेके आते थे पापा पापा के लिए <laughs> 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 तो जब आप, जब आप मैं पापा को पैसे देता था आपको क्या महसूस होता था मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हो जाती थी ऐसा क्यों होता है हाँ। पर तब मुझे एक्चुअली एहसास हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेक हाँ। तो जब भी वो मुझसे मिलेगी तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा मैं सोचना लगी कि अगर मुझे ब्रेक देंगे तो मुझे भी पैसा देना पड़ेगा नकली हाँ. ऐसा हुआ नहीं <laughs> आपने पैसे नहीं नहीं दिए इनको? क्योंकि ब्रेक नहीं दिया ना मुझे <laughs> <laughs> तो जब मैंने आपको बोला था कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी आपको लगता था कि मैं सच बोल रहा हूँ आप बनना चाहती थी ना आई थिंक हाँ, हमने क्योंकि मुझे हमेशा पता था क्योंकि आप भी एक्टर हो आपने देख लिया एक्टर मैंने पहचान लिया स्कूल की ड्रेस में होती थी <laughs> आप, करती थी कि आप स्कूल जा रही हैं <laughs> असली असली में आप हीरोइन हीरोइन बनना चाहती थी <laughs> हाँ. तो ऐसी कौन सी ऐश्वर्या राय करीना कपूर करिश्मा कपूर मैं सबकी तरह बनना चाहती थी मैं शाहरुख खान की तरह भी बनना चाहती थी बस मुझे मुझे सबसे ज्यादा प्यार चाहिए अच्छा। i want to be the most loved actor आपको हाँ। दुनिया का प्यार चाहिए था हाँ मुझे नहीं मुझे वो सुपरस्टार एक्टर का प्यार चाहिए आप सुपरस्टार बनना चाहती थी कि कोई मुझे चाहे भी तो भूल ना पाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्या बात है इनकी आ, वो बहुत क्लियर है तो अब आपको लगता है कि आप सुपरस्टार नहीं अभी नहीं आपने इतनी चारों सुपरहिट फिल्में आपने दी हैं नहीं अभी थिंक बहुत बहुत टाइम बाकी है बहुत टाइम बाकी है अभी पा... बस पहला स्टेप लिया है मैंने। पहली है पहली पहली सीढ़ी सीढ़ी चढ़ी कितनी हैं कहा था कि जब, जब आपको लगे कि आप अरे आईओ बार आई क्या आप पहुंच गए हो आपने सब हासिल कर लिया है तब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके घर में दो ऐसी हस्तियां रहती हैं जिनको एडवाइस देने की आई एम श्योर आदत होगी <laughs> हाँ है? <laughs> है ना <laughs> <laughs> तो क्या मजा <क्या>, <laughs> है ना आपको मेरे इस सवाल का <laughs> हाँ अच्छा लगा हुँ. आपके फ्लैशेस गए पिताजी की एडवाइस माताजी <laughs> की एडवाइस बड़ी बहन की एडवाइस तो क्या एडवाइस देती हैं सोनी आपकी मम्मी आपको क्या एडवाइस देती हैं मम्मी तो आई थिंक अभी भी वो मुझे बच्ची समझती है हाँ आई एम भी मैं 21 इयर्स की हो गई हूँ पर वो

डेनल अच्छा लग रहा है अच्छा लग और पापा एक्चुअली एकदम ऑपोजिट है जब वो मेरी आवाज सुनते हैं फोन पे हाँ। और जब मैं थकी हुई सुनाई दे रही हूँ फोन पे वो बहुत खुश होता है बहुत खुश हो जाते हैं तो ही अंडरस्टैंड्स पर मम्मी आई थिंक अभी भी बच्ची है लिए। में, बच्ची। में, मैं उनके लिए बच्ची हूं